नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लिप्स डॉट इन और मैं हूं आपके साथ खुशबू। जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज सुबह कुमारी के समीप ग्राम सांकरा पहुंचे, जहां उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया। अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक बार फिर प्रदेश के मुखिया बनेंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश के विकास को नई दिशा दी है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में देव संस्कृति विश्वविद्यालय से प्रदेश की उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में एक और मील का पत्थर कुम्हारी के ग्राम सांकरा में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में आज रखा गया, जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पंड्या ने आज किया। डॉक्टर पंड्या ने कहा कि छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से कार्य हो रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में राज्य निरंतर विकास कर रहा है और एक बार फिर डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश के मुखिया बनेंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मूल शिक्षाओं के साथ साथ नैतिक शिक्षाएं भी छात्रों को उपलब्ध कराई जाएगी। एनिमेशन जैसे कोर्स भी इस विश्वविद्यालय में कराए जाएंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर डॉक्टर प्रणव पंड्या ने ग्लिप्स डॉट इन से बात की। हमारे साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार के जो प्रमुख हैं श्री प्रणव पंड्या जी, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी हमारे बीच उपस्थित हैं और आज वह देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आए हुए हैं। कुम्हारी में यह विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो चुका है, जिसका लोकार्पण जो है माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के हाथों को होना है। तो आइए हम सीधे बात करते हैं अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्री डॉक्टर श्री प्रणव पंड्या जी से। डॉक्टर साहब, दर्शकों को, श्रोताओं को नमस्कार। बोलिए। ये शिक्षा को है ना मूल्य आधारित शिक्षा से अलग कर दिया गया है, तो हम लोग मूल्य आधारित शिक्षा देते हैं अपने यूनिवर्सिटी में जो हरिद्वार में है, और उसी पैटर्न पे यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है पूरी की पूरी। हमारे पास जो बच्चे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे छत्तीसगढ़ से, तो मुझे ऐसा लगता है उनका नियोजन हो जाएगा यहाँ, और हमको शुरुआत भी शिक्षकों के स्तर पे दिक्कत नहीं होगी, शिक्षक हमको अपने यहाँ से मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी से। तो छत्तीसगढ़ पर मेरा ज़्यादा ध्यान इसलिए गया, छत्तीसगढ़ के लोग सरल हैं, सज्जन हैं और उदार भी हैं, दानदाता भी हैं। उन्होंने हमारे लिए इसके लिए बहुत कुछ कलेक्शन करके दिया है, राइस मिल वालों ने दिया है और भी जितने लोग हो सकते थे सब ने अपने अपने ज़िले से कलेक्शन करके दिया है। तो मैं सोचता हूँ कि इससे क्या होगा कि जो शिक्षा है उसका स्तर ऊँचा उठेगा। मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं छत्तीसगढ़ से, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं। मैं सबसे पहले उनकी क्लासेस करवाता हूँ हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में। जब वो थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं तब उनके बाद पढ़ाई चालू करता हूँ। तो मेरे पास तो 5000 बच्चे हैं, मैं यहाँ शुरुआत 1000 बच्चों से करूँगा और मैं सोचता हूँ क्वालिटी इम्प्रूव होगी। किन किन तरह के कोर्सेस आप ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आप गायत्री परिवार में योग प्राणायाम की भी शिक्षा देती हैं, धर्म की शिक्षा मिलती है, ज्योतिष की भी शिक्षा मिलती है, सभी प्रकार की शिक्षा मिलती है, तो किन किन कोर्सेज को लेकर आप जो है देव संस्कृति विद्यालय में आ रहे हैं? योग तो सुनिश्चित रूप से होगा, योग के साथ मनोविज्ञान भी लाएंगे, क्योंकि आज मानसिक समस्याएं बहुत ज़्यादा है। मनोविज्ञान के साथ साथ हम लोग कंप्यूटर साइंसेज, मैनेजमेंट के सारी जितने फैकल्टीज हो सकती हैं, टूरिज्म जिसकी संभावनाएं अनंत हैं यहाँ पर, इसको भी लाएंगे यहाँ पर। इस तरह से करके 53 फैकल्टीज हैं, उनको धीरे धीरे करके पहले 15 फैकल्टी लाएंगे, फिर 15 लाएंगे, फिर धीरे धीरे करके पूरी 53 फैकल्टी ले आएंगे। तो ये थे हमारे साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्री डॉक्टर श्री प्रणव पंड्या जी, और उन्होंने कहा कि बच्चों को जो है नैतिक शिक्षा के साथ साथ मनोवैज्ञानिक शिक्षा के साथ साथ योग और प्राणायाम ज्योतिष की शिक्षा भी विश्वविद्यालय के माध्यम से मिलेगी। For more information, log on to www.clips.in.